अच्छा ये आपकी जो वीडियो वायरल हो गई इसके मतलब आपने ये खुद कराई थी या लोगों ने आपसे आगे? बस लोगों ने आके खुद ही करी है, जैसे अल्लाह की तरफ से हुई है जी। लोगों ने कमेंट में लिखा है भाई जरा ना जाके तुम अल्लाह अल्लाह करो, किस चक्कर लग गया चाचा है ना। तो मैंने बोला है नमाजों के सदके से हमारे को मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ जायका कैसा भाई? बहुत जबरदस्त आला भाई। जायका कैसा है? बेहतरीन, बहुत अच्छी, जायके में भी अच्छी, टेस्ट में बहुत आला, बहुत आला किस्म। एक तो जेला लाहौर में देखा, फिर यहाँ देखा, तो हमने पहले तो कैदली पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आपको शाहरुख खान और आप देख रहे हैं शाहरुख खान ब्लॉग। मेरे बैकग्राउंड को देखिए आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा मैं आज किस जगह पे आऊँ। आप लोगों ने सुना होगा कि कराची के अंदर जो है एक जिले ने जो है ना धूम मचाई हुई है, वो छोले वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बना रहे हैं और नेट पे जो है ना इनकी बहुत ज्यादा धूम मची हुई थी। तो इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना आज हम खुद भी यहाँ पर आए और ब्लॉग बनाए और आप लोगों को भी दिखाएं कि ये छोले किस तरह से बना रहे हैं और ये कितने क्रीम के डब्बे डाल रहे हैं, कितने देसी घी डाल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको वन बाय वन आपको दलती हुई इस छोले के अंदर जो है आपको दिखाने वाले हैं। और इसका एड्रेस जो है मैं बकायदा एक प्रॉपर तरीके से लिंक के अंदर भी दे दूंगा कि अगर आप भी यहाँ पर आना चाहें तो बाय गूगल मैप के जरिए आसानी के साथ आ सकते हैं। वैसे ये लियाकताबाद का इलाका लगता है और ये कैथली चौक होता है और ये भी एरिया कहलाता है। मेला सज गया है, अभी कुछ ही देर बाद जो है आपको ये शुरू होने वाले हैं। उससे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो बैकग्राउंड पे देखें कितना ज्यादा रश है यहाँ पर। खाली पे डिब्बे जो है मैं खुद खोल लूँ। अब ये खोलेंगे मैं काम के लिए, थोड़ी आसानी कर दे रहा हूँ भाई। ये इस वक्त जो है ना ये छोले को जो है वो मिलाया जा रहा है, आप ये देख रहे होंगे। और छोले देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हो रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा एक बात तो बता, ये कितने किलो बने वैसे छोले? 100 के जी माशाल्लाह, 24 इंच है, 100 के जी माल है। 100 के जी के अंदर आप क्या क्या चीज डालने वाले हैं आज, क्या क्या माशाल्लाह? आज जो इसके अंदर 24 इंच है ना, तो 24 डब्बे क्रीम के डालूंगा, 24 डब्बे डालूंगा। वाह भाई वाह। और उसके अलावा और देसी घी के फिर जैसे देखते हैं आवाम के साथ, जैसे आवाम बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आज माशाल्लाह 24वीं शहरी है तो बुरा भाई आज खिदमत में हाजिर हुआ है, तो इंशाल्लाह आज इसके अंदर 24 डब्बे क्रीम के डालेंगे आज। मदीन भाई भाई जरा जल्दी करो, आवाम के पास टाइम नहीं है। एक टेबल है देखना, दूसरा नहीं है, एक टेबल ही है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, आप पीछे नहीं बढ़ाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदीन भाई जल्दी करें, मदीन भाई ये भाई ये टेबल है भाई, ये भाई मदीन भाई जरा जल्दी करें जरा। रख दो साइड में, रख दो अंदर, रख दो अंदर, रख दो बेटा अंदर रख दो। चले भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई। देखो भाई ये देसी घी है, ये जानते हो ना ये?
जानते हो ना माशाल्लाह पहचान है हर चीज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं यार, निकल आएंगे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, और दो टाइम नहीं है। दूसरा उठा भाई, दूसरा उठा, फटाफट फटाफट फटाफट। ये चिकन है भाई, चिकन है भाई, ये देखो ये चिकन है। आज हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बोला नहीं पाया जा रहा है, इसलिए जरा इस वजह से जरा रोजे की हालत में जरा हालत ऐसी हो जाती है। ये हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें हैं, ज्यादा लगती है बंदों को, जिसको ज्यादा लगती है बोल पड़ता है वो, समझ ना। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों वाला मसला जो है बहुत टेढ़ा होता है। ये हदीम में मिलावट करें जरा इसके साथ, जरा देखे जरा से भाइयों ने किसी ने कमेंट करा है भाई ये भूरे काले चने हैं। भाई नदीम पे जरा दिखाना है, ये भूरे चने हैं या काले चने हैं भाई, ये भूरे हैं या काले हैं? भूरे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से नदीम भाई। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो भूरे भाई के साथ मौजूद हैं, सही है, जिनके छोले जो है ना कराची के तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। आप इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं कि ये हमें सही जवाब देंगे। चले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर एक बात तो ये बताइए, आपके पास ये आइडिया कैसे आया माशाल्लाह से? माशाल्लाह मैं 20 साल से लगा रहा हूँ, आइडिया नहीं मेरा, बहुत पुराना तजर्बा है ये। 20 साल से तो लगा रहे, 20 साल पहले भी तो ये आइडिया आया होगा ना। माशाल्लाह पहले नौकरियां करते थे तो अल्लाह पाक ने कारोबार दे दिया। अच्छा कारोबार दे दिया। अच्छा एक बात ये बताइए, रमजानों में तो आपकी टाइमिंग है 12 से सुबह 6 तक, हम बात करते हैं रमजान के बाद, उस टाइम कैसे क्या क्या टाइम? 7 बजे के बाद चालू होगा, शाम 7 बजे चालू होगा के बाद। जी 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 जी, रात को 2-2.5 बजे तक जगा देगा। अच्छा अब एक बात ये बताएं, जैसे आज आपने डाले हैं 24 में सही है, 24 मलाई के डब्बे डाले हैं, कल 25 होंगे तो कल क्या करेंगे? 25 डालेंगे, 30 तक किसी, अब 30 होंगे तो 30 डालेंगे। 30 के बाद क्या करेंगे? जब ईद आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? ईद में देखेंगे क्या होता है, ईद वाले दिन देखोगे क्या होता है, छुट्टी करता हूँ या क्या करता हूँ ईद वाले दिन। अच्छा ये लोगों का रश जो है मैं ये देख रहा हूँ, इस साल जो है रमजान में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इसकी कोई खास वजह? तो माशाल्लाह इस बार का मैं कभी अपनी वीडियो वायरल नहीं करी थी, मैं बना रहा हूँ 20 साल से बना रहा हूँ, मैंने कभी अपनी वीडियो वायरल नहीं कर दी, और मैंने अपनी वीडियो वायरल करी है तो माशाल्लाह इतना हिसाब। अच्छा आप ये भैया जैसे जो यहाँ से खा के जा रहा है ना वो तारीफे कर रहा है, इस जायके की वो खास वजह, कोई खास मसाले इसके? माशाल्लाह मसाले मैं अपने खुद पिसवा के लाता हूँ, खुद ही जाता हूँ मार्केट में कटिंग खुद करता हूँ, कारीगर वगैरह नहीं करते, कटिंग मैं खुद करता हूँ मार्केट। छोलों के अलावा ही मैंने सुना है कि आप कुछ और चीजें भी लगाते हैं? हलवा पूरी लगाता हूँ सुबह फर्स्ट टाइम, फजर की नमाज पढ़ के आता हूँ हलवा पूरी से, दिन के 2 बजे तक हलवा पूरी लगाता हूँ, शाम को दूसरा शामी कबाब कटाकर ये तो आप लोगों ने देखा, ये हमें पता है कि ये छोले चने ये जो है ये लाहौर के पंजाब के खाने वालों की जगह, तो ये कराची में आप ये क्यों लेके आ गए? ये कराची में ये चटपटा मांगते हैं, कराची लाहौर की चीज अलग होती है, कराची की चीज अलग है, कराची में ज्यादा चटपटा मांगते हैं। देखो ये हरी मिर्चों के साथ हम नहीं बनाते, हमारा माल नहीं बिकता, ये खरी नहीं बनाए ऊपर से हमारे साथ माल नहीं बिकता, ये हमारा यहाँ खरी मांगते हैं, हरी मिर्चें मांगते हैं, चटपटा मांगते हैं। अच्छा ये आपकी जो वीडियो वायरल हो गई, इसके मतलब आपने ये खुद कराई थी या लोगों ने आपसे आगे? बस लोगों ने आके खुद ही करी है, जैसे अल्लाह की तरफ से हुई है जी। चले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी आप खा कोई ना कोई पैसा दिया ना कोई रिवाइज करा, कुछ भी नहीं करा, ऐसे अल्लाह की तरफ से हुई है, मतलब वो अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे वो दे देता है माशाल्लाह। जिसको लोगों ने कमेंट में लिखा है भाई जरा ना जाके तुम अल्लाह अल्लाह करो किस चक्कर में लग गए चाचा, है ना, तो मैंने बोला है नमाजों के सदके से हमारे को मिला है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें कि रश इतना ज्यादा है कि आपको भी आसानी से नहीं मिलेगा। चले अभी मैं भी खा के जो है ना आपको जायका बताने वाला हूँ, किस तरह से खिदमत करते हैं आप। चले अभी हम खाते फिर आपको जायका भी बताएंगे, हमारे जो है भूरे भाई के छोले जो है वो किस तरह से कितने अच्छे हैं। अब जो एरिया कितनी जो लालू के ढाका ना बी एरिया लैदाबाद कितनी चौक, ये सिर्फ हम 50 रुपए की प्लेट देते हैं। आप ये सोचें ये प्लेट जो है ना ये सिर्फ
ये प्लेट जो है सिर्फ उसे 50 रुपए की है। आपको एड्रेस भाई ने बताई दिया है आपको किस तरह का एड्रेस है इसका ना। ये देखिए अभी मैं खाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा इनका जायका कैसा है। ये इस वक्त जो प्लेट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज है। आप ये सोचे आपको 50 रुपीज के अंदर बकायदा अच्छे खासे छोले भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ मलाई का तड़का भी जो है आपको दिख रहा होगा। तो आप ये देखें माशाल्लाह से 50 रुपए में आपको और क्या चाहिए भाई। आप देखिए मैंने एक बंदा जो है ना आसानी के साथ जो इसको खा सकता है। और सबसे बड़ी बात एक बात मैं आप लोगों को ये बताऊं, यूट्यूबर से लगे ये फायदे कि इतने रश के अंदर भी ना आपको एक आसानी के साथ मिल जाता है। ये जा रहा हूं मैं पहला बार, तो आप लोगों को खा के सच्ची बताऊं कि इसका जायका कैसा है। नो डाउट जायके में अच्छे, मैं दूसरा बाइट लेके आपको सही तरह से बताऊंगा। बहुत आला ओके की रिपोर्ट है भाई। अच्छा ये बताओ जायका कैसा है भाई? बहुत जबरदस्त आला भाई। जायका कैसा है? बेहतरीन, बहुत अच्छी, जायके में भी अच्छी, टेस्ट में बहुत आला, बहुत आला किस्म। एक तो जेला लाहौर में देखा, फिर यहाँ देखा, तो हमने पहले तो कैथली पकड़ लो। तो यहाँ देखे क्या देखा? यहाँ हमने देखा पहले तो इतनी आवाम देखी हमने, फिर आवाम के साथ साथ हमने टेस्ट देखा। हाँ तो भाई मैंने तो छोले खा लिया, ये जायके में इतने अच्छे थे कि आप मैंने पार्सल भी ले लिया अपने घर के लिए। मैंने सोचा कि आज शहरी के अंदर मुझे ना यही खाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा।